ये अखिलेश यादव की बही हैं जिन्होंने वायदे किए थे, लैपटॉप बंटवाए थे। उन्होंने अपने शासन में लखनऊ मेट्रो, नोएडा मेट्रो, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अखिलेश सरकार में हो, इसी पे भरोसा फिर से करते हुए सरकार को दोबारा से वोट दिया गया। एक बड़ा मुद्दा था उनका कि यूपी के अंदर हम बहुत बड़ी सीट लाएंगे, 70 सीटें लाएंगे, मगर नहीं ला पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं नसीब खान आपको लेकर आया हूं नोएडा के अलग अलग इलाकों में। आज वो दिन है 4 जून है जिसका बेसब्री से इंतजार था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। आज हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए जनता पब्लिक एक तरह से अपने घरों में टीवी के सामने बैठी हुई है, रुझान का इंतजार कर रही है किसकी सरकार बनेगी। हम मार्केट में मौजूद हैं, बी ब्लॉक मार्केट में, सेक्टर 62 में, आपको दिखाएंगे कैमरे की नज़र से। आप देखिए, अपने कैमरा मैन से बोलेंगे मार्केट को दिखाइए। मार्केट में कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी ग्राहक दुकानों पर नज़र नहीं आ रहा है और यहाँ पर हाल ऐसा है कि घरों के अंदर बैठ के टीवी के सामने नज़रें लगाए बैठे हैं कि किसकी बनेगी सरकार। और आप देख रहे हैं बहुत कांटे की टक्कर है। आज की 4 जून को पूरे भारतवर्ष की नज़रें टिकी थी टीवी पर और हर किसी की नज़र मोबाइल और टीवी पर। हमने दिखाया मार्केट खाली पड़ी है, कोई भी मार्केट के अंदर नहीं है और हम पहुंचे थे 62 सेक्टर की बी ब्लॉक मार्केट में। यहां पर हमारे सामने दर्शक मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है आज कितनी खुशी है, किसको जिताना चाहते थे। सबसे मेन मुद्दा था भारत में सबसे बड़ा है रोजगार। इनकी सरकार में इन्होंने राम मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है, सबको खुशी की बात है, धर्म के नाम पर अच्छा काम किया। लेकिन मेन चीज़ जब हमारा पेट ही खाली रहेगा तो हम कर क्या सकते हैं। मेन चीज़ है मुद्दा। इन्होंने इनकी सरकार में पेपर लीक हो गए। सबसे पीछे जाने का कारण यह है कि सरकार पेपर लीक करा दी गई तो वहाँ पर काफ़ी लोग पीछे रह गए। जो आदमी पढ़ाई करके और पेपर लीक हो जाए फिर उसकी 2 साल किसी की एज निकल जाएगी, किसी का कुछ होगा। मेन चीज़ मुद्दा हुआ है ये विकास के नाम पर और रोजगार के नाम पर, इसीलिए बीजेपी पीछे चलेगी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी का बहुत 80 सीटों का राहुल अखिलेश जी ने कहा था कि हम 80 की 80 सीटें लाएंगे, उसमें क्या लगता है। अखिलेश यादव जी 50 सीटों पर लड़े थे, 35 पे अभी चल रहे हैं, हो सकता है 45 जीत जाएंगे 100%। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा घमासान है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को, अखिलेश यादव एक युवा नेता है, उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए अखिलेश यादव को अच्छी तरह से जीत की स्थिति में है। और 1 लाख रुपए का आश्वासन दिया कि हम अगर जीतते हैं 1 लाख रुपए हर महिला को देंगे, प्रति माह लगभग 8,500 बनता है, तो इससे भी एक तरह से वोटों का एक इंक्रीमेंट। उत्तर प्रदेश में और केंद्र में अगर इनकी सरकार मिलजुल के अगर बनती है तो ये 100% 1 लाख रुपए पर ईयर देंगे। ये अखिलेश यादव जी वही हैं जिन्होंने वायदे किए थे, लैपटॉप बंटवाए थे, एम्बुलेंस 112, पुलिस 100। उन्होंने अपने शासन में लखनऊ मेट्रो, नोएडा मेट्रो, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अखिलेश सरकार में हो, इसी पे भरोसा फिर से करते हुए सरकार को दोबारा से वोट दिया गया। जो 1 लाख वाला था इससे बहुत बड़ा लोगों में अंदर खुशी थी, महिलाओं के अंदर खुशी थी, क्या आपको लगता है कि इससे और रुझान बढ़ा था? 1 लाख रुपये का किसी गरीब परिवार में अगर 1 लाख रुपये मिल जाते हैं उसका बहुत बड़ा उद्देश्य है भाई, पूरा परिवार पड़ेगा। 1 लाख रुपये बहुत होते हैं, किसी भी आदमी को 1 लाख रुपये दे दिए जाएंगे और फ्री की खिचड़ी तो भैया पहले से ही बढ़ रही है। इन्होंने राशन 5 किलो दे ही रहे हैं, वो 10 किलो देने की कह रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश है, हर कोई जानता है, जो ज़्यादा देगा वही आगे बढ़ेगा। आप क्या कहेंगे इस मसले में? आज का दिन है 4 जून है, ज़बरदस्त घमासान, इंतजार था लोगों का दिन से। इंतज़ार तो था, मगर यह है कि जो बीजेपी यूपी में लाना चाहती 70 सीट वो नहीं 400 का नारा था, अब की बार 400 का नारा तो नहीं हो पाएगा और मुझे लग रहा है कि 300 भी नहीं हो पाएगा। मगर इसलिए भी एक बड़ा मुद्दा था उनका कि यूपी के अंदर हम बहुत बड़ी सीट लाएंगे, 70 सीटें लाएंगे, मगर नहीं ला पाएंगे। अब ये क्यों ना ला पाएंगे कि 22 जनवरी को इन्होंने अच्छा खासा मुद्दा उठाया था कि 22 जनवरी उद्घाटन करा था राम मंदिर का, फिर भी ये 70 की 70 नहीं ला पाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये 30 लाए तो वही बहुत है, यही मैं कहना चाहता हूँ। फ्री वाला राशन का मुद्दा था, हर किसी को राशन मिल रहा था बीजेपी के राज में, इस जगह पे अखिलेश यादव ने ये कहा, कांग्रेस ने राहुल गांधी ने कहा था कि हम 1 लाख रुपए पर महीना देंगे, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है? उससे बेनिफिट तो ये है कि राशन का मामला तो ये है कि राशन से कुछ क्या होगा ये बताइए, राशन से कुछ नहीं होगा, 5 किलो राशन से क्या हो सकता है। मुद्दा तो बहुत बड़े बड़े हैं, आदमी बेरोजगार है, नहीं हो पा रहा है और राशन के लिए भी अगर आप जाओगे तो इतना तो आप कमा सकते हो कि जितना तुम राशन लाओगे। मुद्दे रोजगार के थे, बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और शिक्षा बेरोजगारी ये बहुत बड़े मुद्दे थे जो जनता की आंखें खुल चुकी थी। जनता ने इस बार बहुत बड़ा पासा पलटा है सामने की सरकार, और पूछते हैं क्या कहेंगे। अब जनता जान चुकी है कितनी बार झूठे वादे करोगे। पहली बार इन्होंने हमें ये बता दो कब इन्होंने अपने वादे पूरे किए, कभी वादे किए हों पूरे तो बताइए हम।
क्या बात है, अधूरे रह गए आपके। अरे भाई रोजगार नहीं मिला, मेन चीज तो रोजगार होता है, रोजगार नहीं मिला इससे ज्यादा क्या करोगे। रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी थी, बहुत वादे थे। आइए हम कैमरामैन से कहेंगे, यहाँ पर पुलिस गश्त हो रही है कि किसी तरह की अनहोनी ना हो जाए। कैमरामैन से कहेंगे आप दिखाइए, पुलिस अपनी जगह मुस्तैद है, पुलिस गश्त कर रही है कि किसी तरह से आज बहुत बड़े आंकड़े नतीजे सामने आ रहे हैं। पुलिस यहाँ पर गश्त में लगी हुई है, पुलिस अपने कि कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई हादसा ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। पुलिस भी मौजूद है यहाँ पर, आप देख रहे हैं रोड पे पैदल मार्च निकाला जा रहा है, पुलिस पैदल मार्च निकाल रही है, ये दौरा है। हम कैमरामैन से कहते हैं किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई हादसा ना हो। पुलिस यहाँ पर पैदल मार्च निकाल रही है और हम दिखाना चाहेंगे कि कोई भी वाला है उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत की नज़रें टिकी हैं कि आज के जो आंकड़े हैं, आज के जो नतीजे हैं कि उसमें किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।